नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास ये फ़िलिप्स का होम थिएटर। इसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, इसका बूफर तो बहुत अच्छा चल रहा है, पर इसमें क्या है, जो स्पीकर है ये कभी कभी तार हिलाने पे आवाज़ आती है, कभी चली जाती है, स्पीकर को टेढ़ा मेढ़ा करो चली जाती है। ये देखिए बूफर इसका, ये देखिए बहुत बढ़िया चल रहा है, बूफर में कोई दिक्कत नहीं है, पर इसका जो स्पीकर है ना ये कभी कभी चलता है फिर बंद हो जाता है। ये देखिए बिल्कुल नहीं चल रहा, तार वार ऐसे करके देख रही है, इसी तरह से हिलाएंगे तब ये तार चलता है और फिर कभी कभी बंद हो जाता है, काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा होता है, पटकना तक पड़ता है इसे चलाने के लिए, बड़ी दिक्कत परेशानी हो रही थी। अब हम इसे खोल के सही करेंगे। ये फ़िलिप्स का जो स्पीकर में सबसे बड़ी कमी ये है कि इसे खोलने के लिए इसमें कोई स्क्रू नहीं दिया हुआ, मैंने चारों तरफ देखा कोई स्क्रू नहीं, बस दो लॉक का सिस्टम है और ये लॉक भी नहीं, एक तरह के इसे फंसा के पेचकस खींचना है और निकल जाएंगे बाकी, और चिपका के ही हो रखा है इसमें सारा काम, चिपकाया ही हुआ है एक तरह से, ये इसमें स्क्रू ही नहीं है, मैंने पूरी तरह से देखा वो ऐसे करके खोलना है इसे, और ये कोई लॉक नहीं है, ये तरह के जो गत्ते में फंसाए हुए थे खांचे से, बस खांचे में फंसा दिए इन्होंने। अब मुझे बंद करने के लिए इसे दोबारा ग्लू से ही चिपकाना पड़ेगा। देखिए मैं खोल रहा हूँ इसे, और खोलने में मुझे परेशानी तो नहीं हुई, पर बात है कोई स्क्रू दे देते तो काम जल्दी हो जाता। अब इससे मतलब इसकी बॉडी में भी थोड़े बहुत स्क्रैचेस हो गए, काफ़ी मतलब दिखने में थोड़ा बहुत अजीब तो लगता है ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही खोलना है आपको, इसमें ज़्यादा जोर नहीं लगाना, निकल जाता बड़ी आसानी से, और इसमें कोई लॉक सिस्टम नहीं है, ये बस एक खांचे को फंसा दिया गया इन्होंने छोटे से होल में, ऐसे हो गया, थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा। ये लीजिए देख रहे हैं आप, ये बस एक तरह का फंसाया हुआ है इसमें, और ये इसकी तार है, और ये तार है जिससे हिलाने पे, ये देखो ये लगा तो हुआ है पर ढंग से लगा नहीं है, इस रबड़ चिपके तार के एक पॉइंट पर टिका हुआ है बिल्कुल एक पॉइंट पर टिका हुआ, एक नहीं दोनों के दोनों तार ऐसे ही होते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा आयरन लगाते ही ये अपने आप छूट जाएगा, ये आयरन मैंने गर्म कर लिया तार पे शोल्डर करके, इसे हम वापस पैक कर देंगे, इसमें बस इतना इशू है, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है। ये देखो शोल्डर लगते ही बिल्कुल इसने छोड़ दी अपनी जगह, अब इसे मैंने वापस लगाया, नहीं तो अभी भी नीचे को क्रश, तो दोबारा जोड़ देता हूँ मैं इसे, मैंने दोबारा जोड़ दिया, बढ़िया जोड़ गया। अब दूसरे वाले को भी मैं इसी तरह से री शोल्डर करके इसे बंद कर दूंगा और ये बढ़िया से चलने लगेगा, ये हिल चल चलते चलते जब भी बेस ज़्यादा होता है तो ये अपने आप बंद हो जाता है। इससे म्यूज़िक में बड़ी दिक्कत आती है, टीवी में लगा रखा था काफ़ी दिक्कत परेशानी आ रही थी, इसलिए मैंने इसमें एक किया। अब ये देखो पूरी तरह से दोनों जुड़ गया, अब मैं इसे बंद करूँगा। इसे बंद करने के लिए वही है कि इसे चिपकाना पड़ेगा, पर मैं चिपकाऊँगा नहीं, ऐसे फंसा देता हूँ बाद में भी, पर आप जब करें तो इसमें थोड़ा सा फेविकॉल वगैरह लॉक पे लगा के इसे बंद करना, तभी ये होल टू होल मैच करना जैसा था वैसे ही, और इसे ऐसे फंसा के इसे थोड़ा प्रेस कर देना बिल्कुल बढ़िया से। ये लो जी, ये जो मैंने फंसा दिया, अब मैं इसे चीज में बुफर में लगा के दिखाऊंगा, ये रही इसकी पिन और ये इसमें स्पीकर आउट, ये देखिए इसमें दो स्पीकर है, 2.1 चैनल का ये है होम थिएटर, और मैंने इसमें लगाया और उसके बाद ये चलना शुरू हो गया। अब चलने दिखाने के लिए मैं इसमें कुछ पन्नी उन्नी रख देता हूँ जिससे आपको दिखेगा चल रहा है, आवाज़ नहीं आ सकता, कॉपीराइट वगैरह थोड़ा इशू होता है। ये देखो आपको हमारी वीडियो कैसे लगी, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।